गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोशन ओके ओके लास्ट या प्रीवियस जो भी वीडियोज जैसे सेकेंड चैप्टर रख के एमसीक्यू कंप्लीट कर ली वो सभी एमसीक्यू सी नीट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए आज से मेन पोर्शन फिजिक्स का कंटिन्यू करना स्टार्ट कर मतलब कंटिन्यू करेंगे और वो है मैकेनिक्स मोशन के सभी चैप्टर्स क्योंकि फिजिक्स पार्ट वन के अंदर चैप्टर नंबर थ्री से लेकर चैप्टर नंबर एट तक पार्ट वन पूरा वो मोशन के लिए मैकेनिक्स के लिए है थर्ड चैप्टर जो हमको दिए हैं जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन फोर्थ चैप्टर मोशन इन प्लेन फिफ्थ चैप्टर लॉ ऑफ मोशन सिक्स चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर सेवेंथ चैप्टर रोटेशनल मोशन एंड चैप्टर नंबर एट इस ग्रेविटेशन क्लियर तो ये सभी जो चैप्टर्स हैं वो कंटिन्यूटी में मोशन के लिए हैं, ओके okay? आज हम मोशन से स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स में आपने यही पढ़ा है मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा पढ़ाया गया है और इसलिए एक चीज़ है क्योंकि आप वेलोसिटी या स्पीड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फोर्स मोमेंटम एनर्जी पावर ये सभी चीज़ से आप फेमिलियर हैं लेकिन फिर भी जो जो थी चीज़ में मतलब आप कंटेंट जानते हैं लेकिन डिप के अंदर मतलब डेप्थ के अंदर इसमें क्या डिफरेंस है वो सब आप हर रोज अलग अलग टॉपिक से समझते जाएंगे आज बेसिक जो कंटेंट है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन आप जानते होंगे स्ट्रेट लाइन मोशन सर्कुलर मोशन ओके देन पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नंबर ऑफ पैटर्न है मोशन की लेकिन एक चीज़ तो कॉमन है कि सपोज़ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो अपनी मोशन कंटिन्यू करेगा जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और रिजल्टेंट फोर्स के हिसाब से वो अपने आप मोशन करता है तो जब फोर्स लगता है तो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है लेकिन जब सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है तो सर्कुलर मोशन होती है क्लियर जब टॉर्क लगता है तो रोटेशनल मोशन होती है मतलब मोशन होने के लिए भी एक रीज़न है तो सबसे पहले वो चीज़ भी पढ़नी पड़ेगी कौन सी फोर्स लगी कौन सी मोशन होगी ओके वो भी एक चीज़ पता चलनी चाहिए एक चीज़ और ऑब्जेक्ट मोशन में कैसे पता चलेगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में तो हम इसको कंपेयर करेंगे किसी एक ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन में सेकेंड ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजिशन चेंज करेगा तो बताएंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है एज फॉर एग्जाम्पल सॉरी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो किसी स्टेडी ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन में वो अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है लेकिन एक चीज़ और भी है डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन इसलिए इस, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वह सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन मोशन इन प्लेन मतलब इन टू डायमेंशन इन थ्री डायमेंशन इन चैप्टर नंबर फोर क्लियर सेकेंड चीज कि मोशन के सभी मोशन के जितने भी चैप्टर्स है इसमें पूरी जो स्टडी होती है उस डिवीजन को फिजिक्स के उस डिवीजन को मोशन की जहाँ स्टडी होती है फिजिक्स के उस डिवीज़न को मैकेनिक्स बताया जाता है इसको so, क्या बताया जाता है मैकेनिक्स मैकेनिक्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पूरी स्टडी मतलब मोशन की रहती है ओके नंबर टाइप मतलब मोशन कैसे हुई कितने टाइप की मोशन है मोशन होने की रीजन क्या है इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की मतलब इन्वॉल्व होती है ये सभी चीज मोशन में स्टडी की जाती है लेकिन उस डिवीज़न को मैकेनिक्स बताया जाता है ओके okay? तो इसका मतलब क्या हुआ आप मैकेनिक्स के लिए तीन पोर्शन कंप्लीट सॉरी दो पार्ट कंप्लीट करेंगे मैकेनिक्स के कितने पोर्शन होंगे दो पोर्शन इसको पूरा लिख देते हैं मैकेनिक्स दो पोर्शन है सबसे पहले काइनेमेटिक्स सबसे पहले क्या आएगा <coughs> सबसे पहला आएगा काइनेमेटिक्स ओके एंड सिमिलरली सेकेंड पोर्शन है <coughs> सिमिलर क्वेश्चन क्या आएगा डायनेमिक्स फर्स्ट है कैनामेटिक्स एंड सेकेंड है डायनेमिक्स पहले तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन पता चल लीजिए ओके द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विथ स्टडी या डील विथ अ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स क्लियर लेकिन कानामेटिक्स का मतलब क्या है कायमेटिक्स मैकेनिक्स की ऐसी सब ब्रांच है कि जो सिर्फ मोशन की स्टडी करेगा इसकी रीजन क्या है ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी इसमें वर्क करती है वो सब नहीं सिर्फ मोशन की स्टडी विदाउट एनी रीजन ओके डेफिनेशन में लिखा है कानामिक्स द ब्रांच विच डिस्क्राइब द मोशन विदाउट इट्स कॉजे इस कॉल कानामेटिक्स विदाउट एनी रीजन विदाउट एनी रीजन जो आपको बताएगा इसको क्या बताएंगे हम कानामेटिक्स और डायनेमिक्स का मतलब क्या है डायनेमिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जहाँ मोशन सब सबकाजिस जितने भी मतलब रीजन है वो सब प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मोशन ये सब चीज़ इसमें स्टडी होगी इसको क्या बताएंगे डायनेमिक्स और एक बाईफ्रिगेशन कि एक्चुअली टोटल चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर फोर चैप्टर फाइव एंड चैप्टर सिक्स ये मैकेनिक्स का है सेवन रोटेशनल मोशन और एट ग्रेविटेशन वो दोनों पार्ट डिफरेंट चीज़ है लेकिन इसमें से चैप्टर नंबर थ्री और फोर काइनामिक्स में आएंगे एंड चैप्टर नंबर फाइव एंड सिक्स वो डायनेमिक्स के होंगे मतलब फर्स्ट दो चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ जब हम पढ़ेंगे तब कभी नहीं बताएंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन क्यों की कौन सी रीजन है नहीं सिर्फ आप मोशन के एक्सप्लेनेशन देंगे स्ट्रेट लाइन मोशन रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन सिर्फ एक्सप्लेसन ओके okay? और इसकी जो इक्वेशन है फंडामेंटल इक्वेशनिंग और इक्वेशन वो हम कंप्लीट करते जाएंगे क्लियर तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी तो मेन ब्रांच ऑफ फिजिक्स ओके जहाँ मोशन की स्टडी होती है उसको मैकेनिक्स बताया जाएगा लेकिन और दो ब्रांच बनेगी काइनामिटिक्स एंड डायनेमिक्स कायनामिटिक्स जब मोशन की स्टडी करता है तो विदाउट रीजन विदाउट कॉजिस क्लियर लेकिन डायनेमिक्स जब मोशन की स्टडी करता है तो मोशन प्लस रीजन प्लस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टी ऑफ मोशन सब कुछ इसमें स्टडी होगा क्लियर तो इस तरह की इस मैंने वाइफ्रगेशन दी और एक बेसिक पॉइंट जब भी आपने मेकेनिक्स पढ़ा होगा या मोशन पढ़ा होगा तो क्वेश्चन होता है कि पार्टिकल मूविंग फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट या पार्टिकल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन ऐसे बहुत सारे कंटेंट होते हैं लेकिन ये पार्टिकल क्या है तो कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल ओके okay? वो एक मेन पॉइंट है पार्टिकल के एग्जिस्टेंस नहीं है पार्टिकल ऐसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं बता सकते पार्टिकल है मास बट नॉट अ डायमेंशन ऐसे एक डेफिनेशन है पार्टिकल के पास मास है लेकिन डायमेंशन नहीं है मतलब ऐसी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती कि जिसके पास मास हो डायमेंशन डायमेंशन मतलब सेकेंड चैप्टर में बताया था रेडियस लेंथ ब्रेथ हाइट डायमीटर वो सब डायमेंशन में आता है वो सब क्या रहेगा डायमेंशन क्लियर तो पार्टिकल को मास है लेकिन डायमेंशन नहीं है इसका मतलब उसके एग्जिस्टेंस नहीं है सिर्फ इजिली आप मोशन एक्सप्लेन कर सके इसलिए कंटेंट को एक्सप्लेन कर दिया गया मतलब उसको कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल ऐसा बताया जाता है क्लियर तो इसका मतलब क्या है कि विदाउट कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल आप मोशन नहीं एक्सप्लेन कर सकते कर सकते हैं लेकिन कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल की जो कंटेंट है से बहुत सारे प्रॉब्लम इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे सब पहले तो आपको डेफिनेशन पता चल गया। पार्टिकल मीन्स हैव ए मास बट नॉट ए डायमेंशन इसके एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी फिजिक्स में इसलिए इसको बताया गया कि सपोज सपोज को ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करता है सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां से स्ट्रेट लाइन मोशन करके यहां आएगा टाइम इजन सेकेंड टाइम इज टू ओके अंदर दो पार्टिकल ए और ये बी सपोज मोशन होने के बाद ए पॉइंट सी पे है, एंड बी पॉइंट डी पे आता है ए कहां आएगा सी पे बी कहाँ जाएगा डी पे इसका मतलब ए पार्टिकल ने जितना डिस्प्लेसमेंट किया उतना डिस्प्लेसमेंट बी ने भी किया ओके डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज ए सी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी इज बी डी बट बोथ आर सेम इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करती है तो सभी पार्टिकल की मोशन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है पूरी ऑब्जेक्ट की मोशन भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है किसी एक पार्टिकल की मोशन से पूरी ऑब्जेक्ट की मोशन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लियर फर्स्ट यूज ऑफ पार्टिकल पार्टिकल की एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन आप चेक करो कि ए अब ये पार्टिकल जितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे उतना ही पार्टिकल बी का डिस्प्लेस होगा ओके okay? उतना ही पूरी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करेगी इसका मतलब पूरी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है किसी एक प्रिंसिपल पार्टिकल से आप ये पूरा कंटेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लियर दूसरा कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस जब दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस उसकी डायमेंशन से बहुत ज्यादा है उसकी डायमेंशन से बहुत एज एग्जाम्पल वो मार्बल या स्वीहर हम जानते हैं वन सेंटीमीटर डायमीटर वाला होता है छोटा छोटा इससे दो मार्बल सब उस रूम के कोने में और रूम के दूसरे कोने में रखेंगे मार्बल की रेडियस अप्रॉक्सीमेट वन सेंटीमीटर लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू मार्बल इस टेन फीट तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इट्स ग्रेटर देन इट्स डायमीटर नॉट ग्रेटर देन बट ग्रेटर देन ग्रेटर देन डायमीटर इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ज वेरी लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट तब आप उस ऑब्जेक्ट को पार्टिकल ले सकते हैं एस पर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल बताऊ अर्थ जब ऑर्बिट में मोशन करती है तो सेंटर में सन होता है और अर्थ यहां रोटेट होगी द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स टेन दस टू इलेवन मीटर 1.496 पॉइंट टू मीटर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ओके ये दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है अब उसके सामने उसके सामने रेडियस ऑफ अर्थ तो 6.00 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.00 किलोमीटर एंड द डायमीटर ऑफ अर्थ तो 12800 किलोमीटर सो इन मीटर वन पॉइंट टू एट इंटू टेन डस टू सेवन चलो ये दोनों को भूल जाओ तो भी पावर कंपेयर करेंगे पावर तो भी पता चलेगा कि पावर इसके सामने बहुत ज़्यादा है इसका मतलब जब दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस के सामने डायमेंशन इसे ने होगा तब अब दोनों ऑब्जेक्ट ओके तब ये दोनों ऑब्जेक्ट पार्टिकल की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं ओके okay? <coughs> तो आपको ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ एक्सप्लेन करना है तो सन और अर्थ दोनों को पार्टिकल लेके आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं पता चला तो पहले मैंने डेफिनेशन बताई कि पार्टिकल है मास बट नॉट अ डायमेंशन मतलब इसके एग्जिस्टेंस नहीं है और ऐसे दो एग्जांपल दिए कि जहां हम ऑब्जेक्ट की मोशन ऑब्जेक्ट की मोशन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ड्यू टू पार्टिकल क्लियर तो ये एक सबसे बड़ी मतलब कंटेंट या कंसेप्ट था जो सबसे पहले हमको याद रहना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कब कंसिडर कर सकते हैं ओके नाउ सेकेंड और एक ऐसा कंटेंट जो हमको याद रखना है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक चीज़ सोचो कि सपोज मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक ऑब्जेक्ट को मोशन करते हुए देखा मैंने बाजू वालों को पूछा कि आप चेक करो ऑब्जर्व करो कि ऑब्जेक्ट मोशन में या स्टडी मैंने क्या देखा था वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है मैंने अदर अनदर पर्सन को पूछा कि आप ऑब्जर्व करो कि ऑब्जेक्ट स्टडी या मोशन में है वो पर्सन बता रहा है कि नहीं है, वो तो स्टेडी है अब मुझे दिखाई देता है कि वो मोशन में है वो बता रहा है कि वो स्टेडी है तो सोचोगे पॉसिबिलिटी है एक ही ऑब्जेक्ट जब दो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों को डिफरेंट फिनोमिना मिलेगी एक बता रहा है कि मोशन में है सेकेंड बता रहा है स्टडी है तो हां ये पॉसिबल है क्यों आपको पता होगा तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबसे पहले आइंस्टाइन ने दी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी थी तब बताया कि मोशन जो कंसेप्ट है वो रिलेटिव कंसेप्ट है इसका मतलब सपोज मुझे ऑब्जेक्ट मोशन में दिखती है या सॉरी मोशन में दिखती है और अनदर पर्सन को स्टडी दिखती है तो ये गलत नहीं है एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको पता चलेगा एस फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बैग बस के अंदर रखी है ओके मैंने एक बैग बस में रखी और मैं भी बस में बैठा हूँ बस जब रोड पे चल रही है, मैंने ऑब्जर्व किया तो बैग मुझे स्टेडी दिखाई देगी क्योंकि बैग कहाँ है बस के अंदर तो मुझे बैग स्टेडी दिखती है लेकिन बस के बाहर जो खड़ा है बस से बाहर जो भी पर्सन खड़ा है उसको पूछो कि बैग तो बताया कि क्यों मोशन है मुझे बैग स्टडी इसलिए दिख रही है कि मैं बस में हूं ओके okay? और बस मोशन करी उसके साथ मैं भी मोशन कर रहा हूँ बैग भी मोशन कर रही है और इसलिए बैग मुझे स्टडी दिखाई देगी लेकिन जो ऑब्जर बस से बाहर है ओके okay? उसको पूछो तो बताया कि नहीं बैग मोशन करिए ऐसा क्यों हुआ तो मैं बस के अंदर था इसलिए मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस होगा बस जितना इन्वायरमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा लेकिन जो पर्सन बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए अर्थ की सरफेस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ओके तो विथ अर्थ मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ बस क्या करेगी मोशन करेगी और इसलिए उसको बैग मोशन में दिखेगी लेकिन मैं कहाँ बैठा हूँ बस के अंदर मेरे लिए रेफरेंस सर्फेस क्या है सर्फेस जो बस की है वही और वो तो स्टडी दिखाई देगी इसलिए बैक भी क्या होगी स्टडी मतलब एक ही ऑब्जेक्ट जब दो पर्सन ने ऑब्जर्व की तो पोजिशन डिफरेंट हो सकती है ड्यू टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर जिस कंडीशन के अंदर जिस टाइम पे जहाँ से ऑब्जर्वेशन करता है उसको इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऑब्जर्वर जिस प्लेस से जिस कंडीशन में जिस टाइम पे अपनी ऑब्जर्वेशन करेगा उसको इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है दो टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चैप्टर नंबर फाइव में है दो टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके एंड सेकेंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल का मतलब जहां न्यूटन्स फर्स्ट लो प्रॉपरली राइट हंड्रेड परसेंट राइट है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब इनर्शियल बताया जाएगा जहां न्यूटन्स फर्स्ट लो सही नहीं लगता मतलब ओबे नहीं होता वहां आप इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताएंगे क्लियर तो एक और कंटेंट था जो हमको मोशन से पहले याद रखना था तो मैंने दो कंटेनर से बताया एक बताया पॉइंट या पार्टिकल और सेकेंड बताया फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके अब वो हम स्टार्ट करते जो मैकेनिक्स में आता है ओके सबसे पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में सोचेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ओके आगे स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा कि सपोज ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है ओके जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो मतलब डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस भी बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है ओके लेकिन थोड़ा बहुत इसमें कंटेंट में भी हमको साफनेस रखनी पड़ेगी दो तीन एग्जाम्पल और ज़्यादा हम सॉल्व करेंगे जिससे पता चलेगा मैंने अभी बताया कि फिजिक्स में सबसे पहले आती है पोजिशन पहले क्या आता है पोजिशन ओके अब पोजीशन के अंदर क्या है कि ऑब्जेक्ट स्टेडी या मोशन में मोशन में गया तो एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन तो वो जाएगा लेकिन पोजीशन की डेफिनेशन मैथ्स में भी नहीं है फिजिक्स में भी नहीं है इसलिए नहीं है कि वो आइडियल कंडीशन है वो क्या है आइडियल कंडीशन है ओके okay? और पोजिशन के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ पोजिशन रिलेटिव फिजिकल क्वान्टिटी है एस पर एग्जाम्पल पहले आपने ग्राफ बनाए होंगे सबसे एक्सिस इसको बताएंगे वाई यह है औरजिनल जीरो ज़ीरो सपोज़ यहाँ पार्टिकल मैंने ए लिया और इस पार्टिकल के लिए मैंने लिखा टू ज़ीरो इसका मतलब क्या हुआ एक्स डिस्टेंस टू यूनिट बट वाई डिस्टेंस ज़ीरो ओके यहाँ लिख रहा हूँ बी इसको लिखेंगे ज़ीरो टू इसका मतलब एक्स डिस्टेंस ज़ीरो वाई डिस्टेंस क्या होगा टू यूनिट ओके मैंने यहाँ सी पॉइंट लिखा क्या लिखेंगे टू टू मतलब एक्स से टू यूनिट और वाई से भी कितना होगा टू यूनिट इतना आंसर मिलेगा क्लियर लेकिन चेक करो कि ए की पोजीशन क्या है टू जीरो ऑन एक्स एक्सिस टू यूनिट पे बी की पोजीशन जीरो टू ऑन वाई एक्सिस टू यूनिट पे और सी फ्रॉम एक्स और फ्रॉम वाई दोनों से टू टू यूनिट पे वो पॉइंट आएगा लेकिन ये सभी की पोजीशन सही कब होती है मतलब ये पोजीशन राइट कब होगी जब ओरिजिन जीरो जीरो होगा सपोज ओरिजिन आपने जीरो जीरो पे नहीं लिया तो सबकी कंडीशन चेंज हो जाएगी ओके मतलब ए की पोजीशन टू जीरो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओके बी की पोजीशन जीरो टू बट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जब ओरिजिन जीरो जीरो है तो ये जीरो टू है ओके जब ओरिजिन जीरो जीरो है तो सी की पोजीशन क्या होगी टू टू ये सिंपल साइंटिफिक मैने रीज़न दिया खुद की बात करो आपको सपोज़ एड्रेस पूछा जाए कि आपके घर के एड्रेस बताओ तो हम क्या करेंगे फ्लैट नंबर या घर नंबर देंगे चलेगा नहीं फ्लैट नंबर देना है जो मतलब सोसाइटी या बिल्डिंग्स में तो उसका नाम देना है लैंडमार्क इधर उधर जो भी है वो बतानी है कि किस मतलब दूसरी कोई सोसाइटी या कहीं नज़दीक में कोई भी लैंडमार्क उसके अपोजिट या बिहाइंड या नियर ऐसा लिखना पड़ता है देन एरिया ओके okay? तो इसका मतलब क्या ये सभी रिलेटिव हैं पहले आपने घर की जो नंबर है वो बताई देन जो बिल्डिंग या सोसाइटी में रहते वो लिखा वो सोसाइटी कहाँ वो लैंडमार्क दिया देन एरिया तो ये सब रिलेटिव है मतलब पोजीशन ऑलवेज रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी है ओके okay? अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ओके फिर से वो ग्राफ यहाँ ए पॉइंट ही लिख रहा हूँ टू ज़ीरो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखी एट टी इक्वल टू जीरो टाइमिंग ओके या टी वन इक्वल टू ज़ीरो आफ्टर टू सेकेंड आफ्टर टू सेकेंड जब मैंने चेक किया ओके okay, तो वह यहाँ आ गया तो इसको बी इज इक्वल टू वन थ्री इज इक्वल टू वन थ्री तो इसका मतलब टी टू इक्वल टू टू सेकेंड लिखना आफ्टर टू सेकेंड ऑब्जेक्ट टू जीरो से कहाँ तक गया वन थ्री तक मतलब पोजिशन चेंज हुई जब पोजिशन चेंज होती है इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में है क्लियर और जब जब स्ट्रेट लाइन मोशन होती है जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है ओके okay, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम एक ही डायरेक्शन में जाएगा तब ओके okay. लेकिन आज थोड़ा बहुत कंटेन इसका भी सॉल्व करेंगे ओके सपोज उसके लिए और एक डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए सपोज ये एक्स एक्सिस है मैंने यहाँ ज़ीरो लिया फोर्टी एटी वन ट्वेंटी वन सिक्सटी टू हंड्रेड टू फोर्टी टू एटी थ्री ट्वेंटी थ्री सिक्सटी ऑल आर इन मीटर सिमिलरली माइनस फोर्टी माइनस एटी माइनस वन ट्वेंटी माइनस वन सिक्सटी ओके कहीं से भी हम स्टार्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट की मोशन को नोट डाउन करेंगे सपोज ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट हुई मतलब ओरिजिन उसे स्टार्ट करती है ओके okay? और सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले यहाँ तक गई टू फोर्टी मतलब इस पॉइंट को क्यों बताएंगे चलो उसे स्टार्ट करके पहले थ्री सी तक गया मतलब पी पॉइंट तक गया और वापस आके यहां स्टॉप हो गया स्टार्ट होता थे ओरिजिन टी इक्वल टू जीरो यहां से स्टार्ट होता है और यहाँ टाइमिंग इक्वल टी इक्वल टू टी इधर से यहां तक गया यहाँ के वापस आ गया ओके सबसे पहले हमको फाइंड करना है डिस्टेंस डिस्टेंस तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिखेंगे ओ पी प्लस पी क्यू क्योंकि यहां से यहां तक गया और यहाँ है। ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपी सो ओपी की वैल्यू आगे थ्री सिक्सटी वॉट इज अ वैल्यू ऑफ पी क्यू तो थ्री सिक्सटी माइनस टू फोर्टी मतलब वन ट्वेंटी सो आंसर इज फोर एटी मीटर इल डिस्टेंस ओके नाउ डिस्प्लेसमेंट ओके डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डिस्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ओके इनिशियल पॉइंट जीरो फाइनल पॉइंट टू फोर्टी सो आंसर इज क्लियर पता चला इसका मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है इक्वल नहीं है क्लियर डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट और डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल इन गिवन टाइम इंटरवल आप चेक करो यहाँ से स्टार्ट किया था वहां तक गया वापस आया ये आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव क्लियर लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव ये कुछ भी हो सकता है क्लियर ओके okay. इस एग्जाम्पल से हमने लगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो सकता है क्लियर लेकिन डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा इससे क्या मिलेगा कंटेन क्या है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर फर्क क्या पड़ता है ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है क्लियर ये वेक्टर है और ये क्या होगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी रहेगा ओके okay? और एक चीज बता रहा हूं कि सब उस ऑब्जेक्ट उसे स्टार्ट करके पहले पी तक गई ओके एंड देन क्यूब की जगह डायरेक्टली यहां वापस आ गई मतलब उसे पी तक गया और पी से फिर से कहाँ आ गया ओ पे ओके नाउ अगेन डिस्टेंस तो उसे कहाँ तक गया पी तक मतलब ओ पी प्लस पी ओ थ्री सिक्सटी प्लस थ्री सिक्सटी सेवन ट्वेंटी मीटर बट डिस्प्लेसमेंट 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 का मतलब क्या होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट तो इनिशियल पॉइंट भी यही है फाइनल पॉइंट भी यही है तो डिफरेंस क्या हो गया जीरो सो आंसर क्या होगा जीरो मीटर Clear? और एक एग्जाम्पल इसी जगह चेक कर रहे हैं ओके ऑब्जेक्ट टी इक्वल टू जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है टी इक्वल टू जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है और पहले एटी तक जाता है मतलब पी पॉइंट तक जाता है कहाँ तक जाता है पी पॉइंट तक ओके okay? और बाद में और बाद में यहाँ आके क्यू पॉइंट पर स्टॉप हो जाता है अब चेक करो सबसे पहले डिस्टेंस ओके ओ टू पी प्लस पीओ प्लस ओ क्यू एटी प्लस एटी प्लस वन सिक्सटी ओके जब डिस्टेंस लिखेंगे जब हम डिस्टेंस लिखेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव लिखना है क्लियर हम कभी डिस्टेंस नेगेटिव में ट्रैवल नहीं कर सकते टाइम नेगेटिव ट्रैवल नहीं होता डिस्टेंस नेगेटिव में ट्रैवल नहीं होता मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते ओके okay? तो इसका मतलब थ्री ट्वेंटी मीटर नाउ डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इनिशियल और ए फाइनल ओके तो फाइनल क्या होगा माइनस वन सिक्सटी इनिशियल जीरो आंसर इज तो हमने तीनों एग्जाम्पल चेक किए कि जहां हमको डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मिला डिस्प्लेसमेंट जीरो मिला एंड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी मिला क्लियर तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस पता चल जाना चाहिए ओके फिर भी एक दो और एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं आज यहाँ तक की कंटेंट हमको पता चल जानी चाहिए कि क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सपोज ऑब्जेक्ट मूव ए टू बी ओके बट इन दिस वे इस तरह से जाता है तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की वो उसकी पाथलैंथ है पाथ लेंथ लेंथ डिस्टेंस ये सब यही रहेगा सब इक्वल नेम है लेकिन द स्ट्रेट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ओके चलो इसको ब्लू कलर से ड्रॉ करके कर देते हैं ये ब्लू लाइन ड्रॉ करके दी वो डिसप्लेसमेंट है जो इस तरह से बताया गया वो पाथ लेंथ है क्लियर ओके okay? तो इसका मतलब सभी कंडीशन के अंदर पाथ लेंथ इज ऑलवेज होगा डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिसप्लेसमेंट इज ऑल सपोज ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करती है इस डायरेक्शन में जाके यहां वापस आती है मतलब कि सपोज किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ने एक रोटेशन कंप्लीट की जब एक रोटेशन कंप्लीट होती है तो डिस्टेंस क्या होगा एक रोटेशन कंप्लीट होगा डिस्टेंस क्या होगा तो चेक करेंगे सपोज इसकी रेडियस तो डिस्टेंस इज टू पाई सरकम फरंस जितना होगा डिस्टेंस कितना होगा सरकम फरंस जितना होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो जहां से स्टार्ट हुआ वही वापस आया तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो जहां से स्टार्ट होता है वही वापस आएगा इसलिए आंसर क्या लिखेंगे जीरो ओके okay? तो थोड़े बहुत पॉइंट ऐसे हैं जो मैं अभी बोल रहा हूं पाथलेंथ और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द पाथलेंथ लेकिन डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट मतलब The shortest distance between final and initial point is called the displacement. Okay, second point for path length it is always positive. Like in displacement, it may be positive, negative, or zero. Third point path length is a scalar physical quantity, but displacement is a vector physical quantity. Fourth point it can never be zero. फॉर एनी मूविंग बॉडी और फिफ्थ इसमें क्या लिखेंगे इट कैन बी जीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट ओके अभी हमने चेक किया मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा क्लियर लेकिन मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ओके फिफ्थ पॉइंट इफ द मोशन इज नॉट अ लीनियर इफ मोशन इज नॉट अ लीनियर

लेकिन डिस्प्लेसमेंट से आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट तो आज कुछ नहीं सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ थर्ड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन इसमें भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पोजिशन क्या है कितनी ब्रांच में स्टडी होती है ये सब आज हमने कंप्लीट किया है तो पहले इतना आप स्टडी करेंगे कल से ओके स्पीड वेलोसिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू करेंगे इट इज़ आर कि आपको सेकेंड चैप्टर की मटेरियल बाकी है तो मैं आपको सेकेंड चैप्टर की दर्पण की पी और आज थर्ड चैप्टर की भी दर्पण की पी साथ में सेंड कर दूँगा तो आप उसको थियोरी प्रिपेयर कर सकते हैं न्यूमेरिकल तो मैंने ऐसे भी करवाए हैं क्लियर लेकिन जो थियोरी आपको बाकी है वो थियोरी दर्पण की मटेरियल से मिल जाएगा आज मैं दोनों की आपको पीडीएफ सेंड कर दूँ चैप्टर नंबर टू एंड चैप्टर नंबर थ्री आल्सो क्लियर